अबे यार काम काम में मैं भूल ही गया कि मुझे शिनचैन को लेने भी जाना है। अभी के अभी निकलना होगा वरना मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। वैसे ये चॉप कहाँ पर है? ये रहा चॉप, मेरी बात सुन। देख मुझे शिनचैन को लेने जाना है और घर पर कोई है नहीं, मैं तुझे साथ में लेकर चला जाता पर यहाँ का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। अरे आप चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ, आप उसे जाकर ले आओ। अच्छा ठीक है ध्यान रखना। चलो गाय जल्दी जल्दी चलते हैं वरना फिर से शिनचैन अपने पर गुस्सा हो जाएगा। वैसे जरा मेरी गाड़ी पर तो नजर मारो, कितनी ढासू लग रही है। ये मैंने फिलहाल में खरीदी है, जितनी सेविंग थी सब घुसा दी। और सच्ची बोलूं तो अभी मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाकी की चीजों के लिए पैसे ही नहीं बचे। जल्दी जल्दी कहीं पर अच्छी सी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या फिर ये गाड़ी मुझे वापस से बेचनी पड़ेगी। चलो गाइस पहुंच गए स्कूल। वो रहा शिनचैन और अभी तो बाकी भी बहुत लोग है, इसका मतलब हम लोग लेट नहीं हुए। शिनचैन जल्दी से आ जा। अरे क्या यार फ्रैंकलिन भैया, ये आपके हमेशा का है, मुझे रोज खड़ा होना पड़ता है। देख आज तो बोली मत, सब लोग तो गए भी नहीं है, इसका मतलब मैं टाइम पर ही पहुंचाऊं। अरे पर बच्चे बच्चे तो चले गए ना, वो सारे तो बड़े लोग थे। हाँ तो क्या हुआ, लोग तो लोग होते हैं। छोड़ो आपको बोल के कोई मतलब भी नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है कि सारे बच्चे चले जाते हैं और मैं इंतजार ही करता रह जाता हूँ। अरे हाँ बाबा सॉरी, अब मुझे गाड़ी चलाने दे, वैसे भी चौप घर पर अकेला है। अरे बाप रे ये क्या है? कहाँ पर? अरे जरा अपने राइट साइड में देखो। ओ भाई अबे ये तो जी मैन है ना, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? पक्का कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ओए जी मैन कौन है? यहाँ पर नीचे देख, तू कर क्या रहा है यहाँ पर? वाह क्या बात है, सोने पे सुहागा की बीड़ी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था फ्रैंकलिन, तुमने मुझे बहुत बार हराया है। हाँ वो तो ठीक है पर तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? तुमने जितनी भी बार मुझे हराया है उसका बदला मैं आज लूंगा, तुम बचोगे नहीं मेरे हाथ से। अबे नहीं भाग शिनचैन, जल्दी से आके गाड़ी में बैठ, यहाँ तो पूरा गेम ही उल्टा हो गया है, मैं तो खुद ही चल के इसके पास आ गया। भागो 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 गाइस, फटाफट गाड़ी को भगाता हूँ। अबे नहीं ये तो हमारा पीछा कर रहा है। भागते कहाँ पर हो, तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। देख ये बहुत गलत बात है, अभी मेरे पास सूट नहीं है तो तू फायदा उठा रहा है, थोड़ी देर में सूट लेके आता हूँ फिर बताता हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, अब मुझ में तुमसे ज्यादा पावर है। गाइस यार मुझे नहीं लगता ये ऐसे पीछा छोड़ेगा, मुझे कहीं पर जाके छुपना होगा। डरपोक कहीं के भागते कहाँ पर हो? बिना सूट के तो डरपोक ही रहूंगा ना, इतनी पावर मुझ में नहीं है कि मैं उसे हरा पाऊँ। अरे फ्रैंकलिन भैया ये जगह ठीक रहेगी? हाँ शिनचैन एक काम करता हूँ, इस पार्किंग में छुप जाते हैं। हाँ चलो, वो टनल के अंदर तो घुस नहीं पाएगा, यहाँ पर हम लोग एकदम सेफ है। अरे पर फ्रैंकलिन भैया हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे? आप एक काम करो टोनी भैया को कॉल करो, वो हमारी मदद कर सकते है। हाँ बोल तो तू सही रहा है, जल्दी से फोन लगाता हूँ। उठा ले रे भाई उठा ले। हाँ बोलो फ्रैंकलिन। टोनी मेरी बात सुन, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। जी मैंने खुद को अपग्रेड कर लिया है और अब वो बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, ऊपर से वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। और अच्छा ऐसी बात है, तुम एक काम करो ये सब छोड़ो और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सूट बनाकर रखता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो गाइस सेम गाड़ी से नहीं जाएंगे वरना वो दूर से हमें देख के पहचान लेगा। एक काम करते ये वाली गाड़ी लेकर जाते हैं, जल्दी से बैठ यार। अरे ये लो बैठ गया हूँ। तो चलो गाइस अब जल्दी से यहाँ से निकलते और पहुँचते सीधा टोनी के पास। अब वही है जो हमें जी मैन से बचा सकता है क्योंकि मेरे पास तो हाल फिलहाल में कोई भी सूट नहीं है। अरे पर फ्रैंकलिन भैया वो इतने जल्दी कैसे सूट बनाएंगे? अरे यार वो टोनी है, कुछ भी कर सकता है। चलो गाइस हम लोग पहुँच गए, गाड़ी को यहाँ पर लगाते हैं। उतर शिनचैन, हमें थोड़ी घाई करनी होगी क्योंकि मुसीबत अभी तक टली नहीं है। ये ले टोनी मैं आ चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से बता के तूने क्या इंतजाम करके रखा है। देखो मैंने तुम्हारे लिए एक मस्त सूट बनाया है जो तुम्हारे काम आ सकता है। क्या बात कर रहा है, तो भाई जल्दी से दे क्योंकि जी मैन किसी भी टाइम मुझ तक पहुंच जाएगा। देखो उसमें एक प्रॉब्लम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था इसलिए मैं ज्यादा अच्छा सूट नहीं बना पाया हूँ, तुम्हें उस सूट को बाद में अपग्रेड करना होगा तभी तुम उसे हरा पाओगे। अरे चलेगा मुझे चलेगा, तू बस कैसे भी करके वो सूट दे मुझे। अच्छा ठीक है तैयार हो जाओ, मैं जाके मशीन को स्टार्ट करता हूँ, वो सूट अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। गाइस यार पता नहीं इसने क्या बनाया होगा। ओ एक मिनट, ये कैसा सूट है, ये तो सूखा बॉम्बिल लग रहा है। ये कंप्यूटर मैन है। ओके तो शिनचैन तू टोनी के पास से हिलना मत, मैं नहीं चाहता जी मैन तुझ तक पहुंचे। चलो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट क्योंकि हमें जाके सोचना है कि पैसे कैसे जमा करे, इस सूट को अपग्रेड भी तो करना है। टोनी ने तो घाई घाई में पता नहीं क्या बना दिया है, देख रहे हो आजू बाजू से मेरी बॉडी कैसे बाहर आ रही है। ओहो भाई साहब जरा सामने देखो, हर बार की तरह इस बार भी यहाँ पर फाइट क्लब का इंतजाम किया गया है। चलो जल्दी से अंदर जाके देखते हैं हम लोग यहाँ से पैसे कमा सकते हैं गाइस। एक मिनट क्या, अब स्किबिडी टॉयलेट भी फाइट करेंगे, क्या मुसीबत है यार। क्यों डर गए स्किबिडी? देखो मैं तुमसे डरता नहीं हूँ समझे ना भाई साहब, यार आप जल्दी से बताओ यहाँ के रूल्स वगैरह ताकि मैं इसे हरा सकूँ। हाँ हाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम दोनों के बीच में फाइट होगी और जो कोई भी जीतेगा उसे $1000 का इनाम मिलेगा। पर याद रखना तुम लोग इसमें अपनी पावर यूज नहीं कर सकते, जिस किसी ने अपनी पावर यूज की वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ क्योंकि मैच शुरू होने ही वाला है। ऑल द बेस्ट।
मैच तुम दोनों को ही। चलो तैयारी शुरू करो। तो गाइस कुछ ही सेकंड्स में मैच चालू हो जाएगा, जीतना का जीतना हो जाएगा और इसी बहाने स्किबिडी टॉयलेट को हरा भी दूंगा। तुम मुझे हराओगे स्किबिडी? हाँ मैं तुझे ही हराऊंगा। चलो गाइस शुरू हो चुका है, अब गए आइए। तेरी तो ये खा, ये ले स्किबिडी स्किबिडी, इससे मेरा कुछ नहीं होगा। अबे जा बे, ओ बच गए, क्या लात मारी मैंने इसको। आजा आजा आजा, ये खा स्किबिडी स्किबिडी, तुम बहुत पछताओगे। अब ये ले, तुम्हें क्या लगा था इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा? तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में थे स्किबिडी, तुम तक गए। ये लो और ये लो। एक तो गाइस इसको देख के मुझे ऐसे डर लग रहा है, जरा इसकी आंखें तो देखो, अभी लग रहा है कि बाहर निकल जाएगी। तेरी तो ये ले, हाँ नहीं तो ये खा। और ये ले, दिखने में खाली पतलाऊ पर पावर बहुत है इसमें, मतलब उतनी ज्यादा भी नहीं है पर इसको हराने लायक तो है। मैंने कहा ना स्किबिडी, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। ये खाओ और ये लो। ओहो ओहो, देख रहे हो गाइस, मारे ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब नहीं बचेगा, ये ले। अरे अरे उठता कहाँ पर है, फिर से गिर। हाँ नहीं तो हमारे सामने टिकेगा, मानना पड़ेगा, दम तो इसमें भी है पर मेरे जितना नहीं। प्लीज अभी मत उठना। हो गाइस फाइनली हमने इसे हरा दिया है। आया बड़ा हमसे पंगा लेने वाला। वाह वाह वाह, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारे बॉडी का साइज देखकर मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे हरा पाओगी, पर अब तुम जीत गए हो, तो ये लो तुम्हारे $1,000। अरे यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो गाइस अब यहाँ से निकलते और जाके अपना सूट चेंज करते हैं, मतलब कि अपग्रेड करते हैं, ये जगह एकदम ठीक रहेगी। तो अब देखते हैं कि $1,000 में कौन सा सूट मिलता है। और ये बाय बूम, वो एक लैपटॉप मैन। भाई साहब ऐसी चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो चलो अब चले यहाँ से, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे पैसे जमा करने हैं, तो इतने में तो काम चलेगा नहीं। भाई साहब जरा सामने तो देखो, इतनी सारी पुलिस यहाँ पर, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? एक काम करता हूँ छुप के देखता हूँ आखिर में मामला क्या है। यहाँ पर भी पुलिस है, यहाँ पर भी पुलिस है। एक मिनट जरा पीछे वैन तो देखो, इतना सारा कैश है इसमें। अब मैं समझा, शायद से ये सारे पुलिस वाले बैंक में पैसा डिपॉजिट करने आए। अगर मैं सारे पुलिस वालों की पुंगी बजा दूं यहाँ पर, तो ये पैसा मेरा हो सकता है। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी निपटाते सबको। ओहो ओहो, यहाँ पर भी। चलो ये भी गया गाइस, पर अभी भी बहुत सारे, एक को भी नहीं छोड़ सकता वरना ये लोग मेरी हालत खराब कर देंगे। भाई साहब क्या लगी है इसको तो। ओहो हो, क्या गोलियां बरसा रहे यार ये लोग। अच्छा वो मुझे कवर मिल गया। यहाँ पर एक और घायल। नहीं नहीं रिलोड नहीं, सीधा हाथ पर ही मारा मैंने। अभी भी रास्ता साफ नहीं हुआ, यहाँ पर 2-3 जन और है, थोड़ा सा नजदीक जाके अब क्लियर होने ही वाला है। चलो ये आखिरी वाला भी गया और कंफर्म भी हो गया। अब फटाफट जाते उस ट्रक के पास और जाके उसमें से पैसे ले लेते हैं। अब ये सारा का सारा माल मेरा है, तो जल्दी से देखते हैं इसमें कितना पैसा है। ओ भाई साहब, एक ही बारी में लॉटरी लग गई यार, पूरे $1,00,000। चलो चलो जल्दी से कोई कोना पकड़ते हैं और जाके सूट को चेंज करते हैं, देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट मिलता है। तो 1, 2, 3 बाय। जरा देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि इस वाले सूट को है ना हैकिंग करने के लिए बनाया था, बहुत ही ज्यादा अलग सा लग रहा है। गाइस यहाँ पर पुलिस आ चुकी है, मुझे लगता है इनको पता चल चुका है कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। जल्दी जल्दी इनसे पीछा छुड़ाना होगा, पर भाग के तो नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी चाहिए। यहाँ आसपास किसी की तो गाड़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है। भागो 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 भागो, जल्दी से बैठता हूँ अंदर, मुझे थोड़ा संभल कर काम करना चाहिए था, इतने खुले में ये सब करूंगा तो ये तो होना ही था। बस कैसे भी करके यहाँ से निकल जाओ, फिर मैं सेफ हूँ। चलो अब लगता है कि मैंने पीछा छुड़ा लिया है गाइस। अबे नहीं नहीं छुटा गाइस, ये लोग तो अभी भी पीछा कर रहे हैं। भाई साहब ने टक्कर मारी है, मुझे लगता है अभी इन्हें ब्लास्ट करना होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। चलो चलो चलो, और ये गए। ओ भाई साहब इन्हें मारने के भी पैसे मिल रहे। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे नेक्स्ट सूट के लिए जमा हो जाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। आप देखो कमाल, एक साथ 3 गाड़ियां गई जिसमें से 2 ही पुलिस वाली थी। चलो 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 चलो, और भी है आगे, इतने जल्दी तो ये लोग रास्ते से हटेंगे नहीं। इस पे बॉम्ब लगाता हूं, स्टिकी बॉम्ब बहुत ही कमाल की चीज है। अब देखना कैसे जाता है, क्या पलटी मारी है भाई साहब। मेरे सामने वाली गाड़ी तो मुझसे क्या डर के भाग रही है। अरे टेंशन मत लो, कुछ नहीं करूंगा, पर इनको जरूर करूंगा। और ये गई। चलो गाइस हमारे पास इनफ पैसा जमा हो गया है, तो अब चुपचाप कहीं पर जाके छुप जाते हैं, जिससे हम लोग पुलिस की नजर से बच सके। ये जगह एकदम ठीक रहेगी, वो लोग सोचेंगे भी नहीं कि मैं यहाँ पर आया हूँ। देखो अब हमारे पास पूरा $1,000,000 है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सूट मिलता है। 1, 2, 3 बाय। ये तो काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है और थोड़ा क्लीन भी है, तो चलो अब निकलते हैं यहाँ से। एक मिनट, मेरे पीछे कुछ लगा हुआ है क्या? ओ भाई साहब पूरा एक CPU है, मतलब के कैबिनेट, वो भी 8GB वाला। देखो मुझे लगा था कि ये मेरा आखिरी सूट होगा, पर इसके बाद एक और सूट है। अब उसके लिए पैसे कैसे जमा करूं? ओ भाई साहब मैंने ध्यान ही नहीं दिया गाइस, हमारे पास तो एक गोल्ड कार है। मैंने एक बहुत ही महंगी कार चुराई है रास्ते से, पक्का ये किसी अमीरजादे की होगी। हाँ वैसे तो अमीर लोग ही खरीद सकते ये सब, हमारे नसीब में कहा है। पर मैं इसे बेच जरूर सकता हूँ, इसे बेच के जो पैसा आएगा
उससे नया सूट खरीद लूंगा। तो जल्दी से चलते हैं साइमन के पास। तो मैं पहुंच गया हूं साइमन के डीलरशिप और ये रहा साइमन। तो उतरते हैं जल्दी से और करते हैं डील फिक्स। और भाई कैसा है, काफी दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ हाँ मालूम है, चुपचाप बताओ काम क्या है। दरअसल मुझे गाड़ी बेचनी थी, जो ठीक तुम मेरे पीछे देख सकते हो, ये गोल्ड कार है और काफी महंगी है। तुम फिर से चोरी का माल लेकर आ गए, ये आखिरी बार होगा। मैं इसके बदले में तुम्हें $10 मिलियन दे सकता हूँ, इससे ज्यादा एक रुपया भी नहीं। क्या बात कर रहे हो, $10 मिलियन? भाई साहब का माल हो गया गाइस। हाँ हाँ इतना ही दे सकता हूँ, क्यों नहीं चाहिए तो बोल दो मुझे। अरे नहीं नहीं चाहिए चाहिए। चलो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। अभी हमारे पास पूरे $10 मिलियन है और ये हमारा फाइनल सूट होगा, देखते क्या मिलता है। तो 1 2 3 गो। ओहो जरा देखो तो सही, इतनी सारी स्क्रीन, सूट भी काफी अलग है और हमारे हाथ की जगह माउस है। एक परफेक्ट कंप्यूटर मैन। अब जाते हैं और स्किबिडी के बच्चे को मजा चकाते हैं, बहुत उड़ रहा था ना जी मैन। ये रहा गाइस, आखिरकार मिल गया। ये देख बेटा अब होगा टक्कर का मुकाबला। एक मिनट, आवाज तो जानी पहचानी है स्किबिडी, पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ जिसको तुम सुबह धमकी दे रहे थे, पर अभी मेरे पास सूट है और वो भी फुल्ली अपग्रेडेड। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो काफी मजा आएगा। मजा तो आएगा ना, ये ले। अबे कहाँ गया वो भाई साहब, पीछे से आ गया। क्या हुआ, डर लग रहा है? अबे डरना तो तुझे चाहिए, तेरे जैसे 10 को मार दूं मैं। ये लो, तुम मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। इसमें कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है, इसको लगता है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं। अभी बताता हूँ, जा यहाँ से। कैसा घसीटा, बहुत हो गया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अबे हट यहाँ से, तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जा, अभी मेरे माउस का एक क्लिक फेंक के मारूंगा ना, यही डिलीट हो जाएगा। ऐसी बात है तो ये खाओ। आए बड़े मुझे हराने वाले स्किबिडी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अच्छा और तुझे अंदाजा है, दूर हट। ओ भाई थोड़ा तो भारी पड़ रहा है गाइस ये, पर अभी नहीं। ये ले, और ये का, इसको तो गाइस हमने जमीन के अंदर ही डाल दिया है, अब ये काफी लंबे टाइम तक हमें परेशान नहीं करेगा। तो चलो यार आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।